यूपी के सिद्धार्थनगर के भटगवा में भगवती जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जागरण का उद्घाटन विधायक रघुवेंद्र प्रताप सिंह ने किया। जागरण में भजन के अंतर्राष्ट्रीय गायक नंदू मिश्रा ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने माताजी की जगराता कर पूरे माहौल का भक्तिमय कर दिया। वहीं भजन गायक नंदू मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान के कायल हैं। उनका कहना है कि वह लोगों का भजन से मन स्वच्छ कर रहे हैं, क्योंकि जब मन स्वच्छ होगा तो गंदगी लोग नहीं फैलाएंगे। वहीं उनका कहना है कि सभी लोगों को धर्म से हटकर प्रेम करना चाहिए। वह स्थानीय विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि पूर्णमासी तक माता की जागरता कार्यक्रम चलता रहेगा, जो काफी महत्वपूर्ण रहता है। पेश है सिद्धार्थनगर के संवाददाता मोहम्मद आफाकी खास रिपोर्ट। पखवाड़ा पूर्णमासी तक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसमें भी कोई भी संकल्प, कोई भी अनुष्ठान, और यह भगवती जागरण एक अनुष्ठान ही है। जो भी अनुष्ठान किया जाता है उसके फल की प्राप्ति होती है, और वह भी देवी जागरण जो शक्ति स्वरूपा जगत जननी जगदम्बा है। हम शक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं। हमारे पास शक्ति रहेगी, समृद्धि रहेगी तो खुशहाली रहेगी, इसलिए यह जागरण। और हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में श्री नंदू मिश्रा जी का भक्ति रस पूर्वक जो जागरण है, डुमरियागंज में बहुत दिनों से इच्छा भी लोगों की थी कि श्री नंदू मिश्रा जी यहाँ पे आवे, तो इनका जो जागरण का रस निकल करके इस जनता के बीच में जाता है, वो सिर्फ मनोरंजन करके नहीं जाता, भक्ति के माध्यम से कुछ संकल्प लेकर के जाता है। इसीलिए आज का यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम। मैं सर्वदा जन जागरण की कोशिश करता हूँ, लोगों के अंदर जन जागरण हो। मन से पवित्र जब इंसान होता है, हम जीव से जीव को प्यार करना सिखाते हैं, हर जीव को हर जीव से प्रेम हो, और वो तभी संभव है जब मन पवित्र हो। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो भारतवर्ष में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, कितना सुंदर कार्य कर रहे हैं। बस उन्हीं के कार्य को मैं भी संपादित कर रहा हूँ आध्यात्म के माध्यम से। वो भारत में स्वच्छता अभियान प्रारंभ किए, और मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि जब इंसान का मन स्वच्छ होगा तो बाहर गंदगी नहीं करेगा। और मन स्वच्छ कैसे होगा? भजन से, सत्संग से, अच्छी अच्छी बातों से। तो अनुराग जिसको होगा, मैं इसीलिए मन में भी झाड़ू लगा रहा हूँ, और झाड़ू भजन से, भजन नाम की झाड़ू। जो भजनानंदी होंगे आप देखना, वो स्वच्छता रखेंगे। जो मन स्वच्छ रहेगा, हृदय पवित्र रहेगा, तो हम बाहर गंदगी नहीं करेंगे, और फिर मोदी जी का सपना भी पूरा होगा, और निश्चित रूप से हमारा भारत विश्वगुरु स्थापित हो जाएगा फिर से। क्योंकि जब स्वच्छता होगी और जन जागरण होगा, हर जीव को हर जीव से प्रेम करना चाहिए। हमारा धर्म मानव धर्म है, यदि मानव धर्म का निर्वहन नहीं कर सकते तो फिर कोई मतलब नहीं है हमारी इस धरती पर जीने का। जाति पात, धर्म मजहब, ऊंच नीच, इससे थोड़ा ऊपर उठकर हम सब एक दूसरे को प्रेम करें, इंसान को इंसान से प्रेम करना सिखाएं। और जब तक न मन से जागोगे तो फिर कैसा जग रहता। मैं तो माँ का साधक हूँ, मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, मैं सिर्फ माँ का साधक हूँ, और जो भी साधना में मुझे मिलता है माँ की कृपा से, बस वही बांट रहा हूँ और देश की सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि देश का सच्चा सपूत मैं भी हूँ, भारत माँ का बेटा हूँ।